In this exercise, let us practice 5.4. You have to frame a word problem. हमें word problem को frame करना है, मतलब answer दिया है, question बनाना है word problem का. वो हम कैसे करेंगे? Very easy, nothing to do. Okay. 68 minus means a subtraction के rule के हिसाब से हमें बनाना है. तो पहले total दिया हुआ है हमें, कितना हमने दे दिया है और अब कितना बचेगा. ओके नाउ फर्स्ट विल सॉल्व दिस 68 माइनस 15. पहले रफ में इसको हम सॉल्व करेंगे. 68 माइनस 15, 8 माइनस 5 इज 3, 6 माइनस 1 इज 5. सो वी गॉट इट एज 53. ओके अब हम फेम करते हैं प्रॉब्लम को. नाउ राम हैज, कोई भी नेम आपको यहाँ पे ले लेना है, आपको जिसका नाम लेना हो, फ्रेंड हो, कोई भी. राम है 68 पेंसिल, बहुत सारे इसलिए चलेंगे. नाउ ही गेव 15 पेंसिल्स टू हिज फ्रेंड सामान लेके आते हो, तो उसमें कुछ
प्राइस ऐसी लिखी हुई होती है। यस और नो? आप पहले प्राइस देखते हो, मम्मा ने 20 रुपीज दिया है आपको मिल्क पैकेट लाने के लिए, और वो मिल्क पैकेट का कॉस्ट होता है 15.25। तब आप क्या करते हो कि शॉपकीपर वाले भैया को बोलते हो कि कितना पैसा हुआ, तो वो भैया बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप मेरे को कितना दे दो, रुपीज 50 दे दो। तो आप सोचते हो कि ये भैया ने 25 पैसे क्यों नहीं मांगा मेरे से, ओनली 15 रुपीज ही बोला, 25 पैसे क्यों नहीं बोले 25 पैसे। तो भैया ने राउंडिंग ऑफ किया और 15 रुपीज आपको बोला। कभी क्या होता है कि आप सामान लेने जाते हो तो ऐसे प्राइस होते हैं 17.75 पैसे। तब आपको तो भैया क्या बोलते हैं कि आप मेरे को 18 रुपीज दे दो। यस और नो? तब आप बोलते हो 75 लिखा है और भैया ने मेरे से 18 रुपीज क्यों लिया, या तो 17.75 है, मैंने तो 18 रुपीज दे दिया। पर क्या किया वो भैया ने, वो भैया राउंड ऑफ करके फिगर आपको बताए। इन द सेम वे ये कैसे राउंड ऑफ हुआ, अभी हम ये चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि राउंडिंग ऑफ कैसे करना है हमें। और बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं, लेट्स लुक एट दैट एग्जांपल्स नाउ। अब क्या है, हम ये इसको रिलेट करते हैं, ओके, डे टू डे लाइफ को रिलेट करते हैं। वन टू थ्री फोर। अब आप सोचोगे ये मैम क्या क्लाउड्स बना रहे हैं, है कि नहीं? और जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगी। वन डिजिट के नंबर हमने लिए हैं, जो छोटे नंबर थे वो छोटे क्लाउड्स पे लिए 1 2 4, और जो बड़े नंबर्स हैं वो बड़े क्लाउड में लिए। जब बड़ा क्लाउड होता है तो ये प्लस वन होगा, वो मैं भी आपको बताऊंगी तो क्यों प्लस वन होगा। ओके ना, जब क्या होता है कि आप फाइट करते हो किसी के साथ, आपकी फाइटिंग हो जाती है, तो आपका छोटा भाई आपको बोलता है कि चलो दीदी या भैया मैं आपके साथ आता हूँ, तो आप क्या सोचते हो, ये तो मेरे से छोटा है, ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसका कुछ भी नहीं है, जीरो होता है। जब बड़ा क्लाउड में अगर कोई बड़े मम्मी पापा या बड़े भैया दीदी आपके साथ आते हैं तो आप क्या सोचते हो, हाँ अब मैं चलता हूँ, अब मैं उसको बताता हूँ कि वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जब कोई बड़े आते हैं तो हमें स्ट्रेंथ मिलता है फाइट करने की, या कुछ भी हो आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ मिलती है। इसीलिए 5 6 7 8 9 सिंगल वन डिजिट नंबर में ये नंबर बड़े हैं, तो ये प्लस वन सोचता है। ओके, और एक एग्जांपल, जब हम लाइन में खड़े रहते हैं तो क्या होता है, पहले अपनी लाइन में रहते हैं, जब आप असेंबली के लिए जाते हो तो आपको टीचर रोज नहीं बोलेंगे कि बेटा लाइन में खड़ा रहना है, अपने पीछे वाले को और आगे वाले को देख के करना है। एक बार मैम बता देते कि ऐसे ही रोज आपको खड़े रहना है। इन द सेम वे जब हम लाइन में खड़े रहते हैं तो पहला यहाँ रहता है, फिर ये, ओके, फिर दूसरे को यहाँ रखते हैं, जो फिर थोड़ा बड़ा होता है वो लास्ट में जाता है, फिर थोड़ा बड़ा लास्ट में, फिर थोड़ा बड़ा लास्ट में, मिक्स हम असेंडिंग ऑर्डर में उनको हम रखते हैं। ये सब तो हम उसको जब लाइन में लगाते हैं, बच्चे लाइन में खड़े होते हैं, कौन से ऑर्डर में आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करते हैं, ये किसको देखता है, अपने पीछे किसी को देखता है वो सही से खड़ा है कि नहीं है, बता इसको डांट पड़ने वाली है, फिर ये इसको देखते हैं, ये सब लोग मिल सकते पीछे वाले को देखते हैं। इन द सेम वे जब हम अभी सॉल्व करेंगे राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ सॉल्व करने के लिए हमें वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड की जरूरत पड़ेगी। ओके, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं अभी, ना लुक हियर, ना अगर एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर फॉर नंबर 444, इसको बोला गया है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100। हमें राउंडिंग ऑफ किस में करना है, टेंस हंड्रेड दोनों में करना है। ओके, हम कैसे करेंगे, ना वंस टेंस हंड्रेड, हमें जब टेंस का राउंड ऑफ करना है तो हम कौन सी प्लेस को देखेंगे,
वंस की प्लेस को चेक करना है, वंस की प्लेस को। ओके, वंस की प्लेस में क्या है? फोर। फोर कौन से क्लाउड से आता है? वन टू थ्री फोर क्लाउड से आता है, मीन्स छोटे वाले क्लाउड से आता है। छोटा वाला क्लाउड क्या सोचता है? जीरो, कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे कोई भी एड नहीं होगा और नंबर क्या दिखाएगा? फोर फोर जीरो। ये नंबर जो हम जिसको चेक करते हैं, जिसको चेक करते हैं वो नंबर जीरो बन जाता है उसके बाद के लिए। नाउ लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल 368 1 10 100। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 बोला है, तो किसको चेक करेंगे? वंस की प्लेस को। वंस की प्लेस कहाँ पे है, कौन से क्लाउड से है? बड़े क्लाउड से, दैट इज 5 6 7 8 9। क्या सोचता है? प्लस वन। प्लस वन जो राउंड ऑफ दिया है उसमें प्लस वन, मीन्स टेंस के प्लेस में प्लस वन करेंगे, बाकी के डिजिट जीरो। प्लस वन 7, 3 3 7 0। डन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 9 9। नाउ वंस टेंस 100, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, मीन्स वंस की प्लेस हमें देखनी है। वंस के प्लेस में 9 है, तो बड़े क्लाउड से है, बड़ा क्लाउड क्या बोलता है? प्लस वन करना है, इसमें जिसमें राउंड ऑफ करना है, मीन्स टेंस के प्लेस में। सो 9 प्लस 1 10, सो 0 1 क्लियर। 4 प्लस 1 5, ये भी हो जाएगा 0। सो ये राउंड ऑफ किस में हो गया? 100 में हो गया राउंड ऑफ, कोई बात नहीं, 500। ओके, हमने किस में राउंड ऑफ किया है? टेंस में किया है। ओके, फॉर फ्यू मोर एग्जांपल यू कैन टेक एज 295 1 10 100। नाउ अब टेंस में राउंड ऑफ करना है, कौन सा प्लेस देखेंगे आप? वंस। वंस बड़े क्लाउड से, तो क्या करेंगे? प्लस वन। किस में करेंगे? टेंस में। 0 9 प्लस 1 0, 2 प्लस 1 3, व्हाट वी गॉट इट एज 300। ओके, नाउ इन द सेम वे अब हम 100 के लिए चेक करेंगे। जब हम 100 के लिए चेक करेंगे तो हमें कौन सा प्लेस देखना होगा? टेंस का देखना होगा। ओके, वी विल लुक फॉर मोर एग्जांपल्स। Now, look for one question number one. Solve by estimating to the nearest tens. अब इसको हमें solve भी करना है, ओके? इसमें करना nearest to 10, ओके? 145, अगर हम round off करते हैं, what we will get? 1 10 100. Round off किसमें करना है? Tens में। कौन सी place check करेंगे? Ones की place में क्या है? 5 5 6 7 8 9, किसमें आता है? क्या करना है? Plus 1. एड प्लस वन दिया, सो व्हाट वी गॉट? 150। राउंड ऑफ करने से हमें मिला 150। नाउ अब हम 357 को राउंड ऑफ करेंगे, 1 10 100। राउंड ऑफ किसने करना है? टेंस में। कौन सी प्लेस चेक करेंगे? वंस। वंस की प्लेस में 7 है, मीन्स बड़े नंबर पे, तो अब क्या करेंगे? प्लस वन करेंगे। 0 6 3 प्लस 3 6 0, 0 प्लस 0 0 6 प्लus 5 11 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। सो वी गॉट द आंसर एज 510। ये हमने किसने किया? राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10, राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10। ओके, नाउ सी द सेकंड नंबर, ये भी हम किसने करेंगे? राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10, राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10। नाउ 97, 1 10 100 की प्लेस में कुछ नहीं है, वी कंसिडर इट एज 0। राउंड ऑफ किस में करना है? टेंस में। कौन सी प्लेस देखेंगे? वंस की। वंस की प्लेस में क्या है? 7, तो हम क्या करेंगे? प्लस 1। ओके, 9 प्लस 1 10 0 1 1 7 3 हो जाएगा 0। जब हमने राउंड ऑफ किया तो वी गॉट द आंसर एज 100। ओके, 97 का राउंड ऑफ आया 100। राउंडिंग ऑफ ऑफ 43, 1 10 100 के प्लेस में कुछ भी नहीं है, मीन्स 0। वंस के प्लेस को चेक करेंगे तो
या क्लाउड, कुछ भी नहीं कर पाएगा, मीन्स वी विल हैव नथिंग. सो दिस विल बिकम एज 0 एंड 4 विल रिमेन एज 4. सो वी गॉट इट एज 40. इसकी साइन देंगे, माइनस की साइन देंगे. 0 माइनस 0 0, ये 0 नहीं जाएगा. वी विल बोरो 10 माइनस 4 इज 6. सो वी गॉट इट एज 60 इज द आंसर. ओके, नो प्रॉब्लम. व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट योर आंसर्स. और बस हमें माइंड में याद रखना है, हमें जिसको राउंड ऑफ करना है उसके पीछे वाले को हमें देखना है. टेंस को राउंड ऑफ करना है, वंस को देखना है. 100 को राउंड ऑफ करना है तो टेंस को देखना है. आप इससे बड़े नंबर लोगे तो भी अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. आपको खाली याद रखना है कि कौन से नंबर को चेक करना है और वो कौन से क्लाउड पे आता है. छोटे क्लाउड पे आता है, मीन्स 1, 2, 3, 4, तो नो चेंजेस. और बड़े क्लाउड में आता है 5, 6, 7, 8, 9, तो हमें क्या करना है, प्लस 1. इन द सेम वे अब हम देखते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100. नाउ राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100. ओके, फर्स्ट 27 प्लस 89, 27 को राउंड ऑफ करेंगे हम लोग. इसमें करेंगे टू द नियरेस्ट 100, राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100. ओके, नाउ 27, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट दी वैल्यूज ऑफ दैट इज 1, 10, 100. 100 के प्लेस में कुछ भी नहीं है तो वी विल पुट 0. 100 को राउंड ऑफ करने के लिए हमें कौन सा प्लेस चेक करना होगा, उससे पहले वाला, दैट इज 10th प्लेस. 10th प्लेस में क्या है, 2. स्मॉल क्लाउड से आता है 2. वी विल नॉट एड एनीथिंग. ओके, सो इट विल बिकम एज 0, 0, 0. नेक्स्ट 87, 1, 10. 100 के प्लेस में कुछ भी नहीं है सो वी विल टेक इट एज 0. जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, 100 के प्लेस को 100 का राउंड ऑफ करना है तो 10th का प्लेस चेक करेंगे. 10th के प्लेस में 8 है और 8 कौन से क्लाउड से आता है, बिगेस्ट क्लाउड, मीन्स हमें प्लस 1 करना है. अगर हम प्लस 1 करते हैं तो बाकी सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं उसके बाद, 0, 0, 0 and 0 plus 1 is 1. सो वी गॉट इट एज 100. और किसकी साइन है, एड की, तो 0 plus 100 वी गॉट इट एज 100. ओके, सेम वे और एक नंबर आपके लिए लेते हैं. ओके, 100 करना है तो 1000 में करना है तो 100 में देखना है.
फिर आपको फर्स्ट आपने देखा कि किसको देखना है, सेकंड स्टेप आपको क्या करना है कि वो कौन से क्लाउड से आता है। स्मॉल क्लाउड हो तो कुछ भी नहीं, मीन्स 1 2 3 4 देयर इज नो चेंज, बट अगर 5 6 7 8 9 हो तो हमें प्लस 1 करना है, जो नंबर को राउंड ऑफ करना है। सपोज 100 को राउंड ऑफ करना है तो 100 में प्लस 1 करेंगे, टेंस में राउंड ऑफ करना है तो टेंस में प्लस 1 करेंगे, चेक करेंगे उसके पीछे वाले ऐड करेंगे जिसमें हमें राउंड ऑफ करना है। इट्स वेरी इजी, सो वी आर फिनिशिंग हियर एक्सरसाइज 5.6 एंड दिस यू हैव टू डू इन योर मैथ्स नोटबुक नंबर 3 एंड वी आर फिनिशिंग दिस चैप्टर हियर दैट इज सब्ट्रैक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद मल्टीप्लीकेशन। ओके, थैंक यू।